हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन पर आप क्या क्या बेनिफिट पा सकते हैं, आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस, बाहर देश की प्रतिष्ठित शहरों में पढ़ा, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर असामान्य अध्ययन, मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए, डीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी पेपर कटिंग होती है, क्लास पीडीएफ होती है और क्लास टाइम होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने टीचर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको आप क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट के माध्यम से आपको अपने प्रिपरेशन का जज करने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सब ऑनलाइन लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्स का आप बेनिफिट उठाते हैं जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक जो है वो प्लस कोर्स का और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, ये 39,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाए और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का, यहाँ पर मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट, अब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है जिसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो है ये 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे, तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तो 12 मंथ का जो ऑप्शनल कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। अब अनअकैडमी के द्वारा जो 18 जनवरी को बैचेज की शुरुआत की गई है, तो आप इस बैचेज में एडमिशन लेकर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और ये जो बैचेज की शुरुआत हुई है 2021 के लिए भी है, 2022 के लिए भी है और 2023 के लिए भी ये बैचेज की शुरुआत की गई है। और ये जो बैचेज हैं आप अपने टाइम के हिसाब से, आप अपने सुविधा के हिसाब से इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाइलिंगुअल, जिस तरीके का भी बैच आप चाहते हैं उसमें आप 18 जनवरी से शुरू होने वाले बैचेज में अनअकैडमी के 1 साल या 2 साल के जीएस का आइकॉनिक या प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो ऐसो जो कम्बो पैक आपके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए चला गया आर्थिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, तो आप वो लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप कम्बो पैक लेते हैं तो यदि आप प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस का लेते हैं तो 12 मंथ का ये आपको 88,705 में हो जाएगा, 24 मंथ का ये आपको जो है 131,510 में, और मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे आप 10% डिस्काउंट भी पा जाएंगे। और इसी तरीके से प्लस कोर्स जीएस का और प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का लेंगे तो 12 मंथ का आपको 70,103 और 24 मंथ का जो है वो
99,680 में आपको मिलेगा, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग कर लेंगे आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, वो इंस्टेंट डिस्काउंट है जो आपको मिल जाएगा। और 25 जनवरी से अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक करने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 25 जनवरी से पहले ले लें। आइए एक बार पुनः आपका राष्ट्रीय समसामयिकी जो दिसंबर मंथ का चल रहा है, तो उस दिसंबर मंथ के राष्ट्रीय समसामयिकी के पार्ट टू में आपका स्वागत है। पहला वीडियो आप उसको देख चुके हैं लेक्चर को, और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और आपने उसका नोट्स भी प्रिपेयर्ड कर लिया होगा। तो दिसंबर मंथ में जो राष्ट्रीय समसामयिकी का कुछ एरिया बचा हुआ है वो पार्ट टू करके आप देख लें, फिर हम आपको मॉडर्न इंडिया में बिल्कुल शुरुआत से लेकर चले जाएंगे, यानी अगला लेक्चर जो आपके पास आएगा वो मॉडर्न इंडिया से संबंधित होगा जो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जो राष्ट्रीय समसामयिकी का ये सीरीज है दिसंबर मंथ में, अभी तक इसमें आप क्या क्या जान चुके हैं, भारत भूटान के बीच जो अंतरिक्ष संबंध में सहयोग हुआ है वो, आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी गई है ये जान चुके हैं, शॉर्ट स्पैन ब्रिज जो सेना में शामिल किया गया वो, एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना को जान चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी के वोट में जो शामिल किया गया वो, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जान चुके हैं, 24वीं किसान रेलवे का उद्घाटन जान चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार ये भी जान चुके हैं, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को जान चुके हैं, कैच द रेन जागरूकता जान चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को जान चुके हैं आप, इसी तरीके से हरित राजमार्ग नीति, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्किल इंडिया के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा उत्पाद की खरीद हुई है वो, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया और ट्राइब्स इंडिया के उत्पाद, ये सभी आप दिसंबर मंथ के जो नेशनल समसामयिकी का लेक्चर का पार्ट वन है उसमें आप जान चुके हैं। आज जो पार्ट टू है, इस पार्ट टू में आप किन किन चीज़ों को जानेंगे, इसमें हम लोग जो नेशनल समसामयिकी का पार्ट टू है दिसंबर मंथ का, इस पार्ट टू में आप जानेंगे प्रोजेक्ट हिमगिरी 17A के तहत जो सेना में जहाज को शामिल किया गया वो, जन स्वास्थ्य नीति पर जो नीति आयोग का श्वेत पत्र है वो, ये आपके मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर पब्लिक इंटरनेट के लिए जो पीएम वाणी योजना है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है थर्ड पेपर के दृष्टिकोण से, एक राशन एक नेशन एक राशन कार्ड जो देश में लागू हो चुका है वो, फिर जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है उसके बारे में, ये दिसंबर का है तो अब तो आप जानिए कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 10 जनवरी को आयोजन हो चुका है लेकिन ये दिसंबर का है, उस हिसाब से इस पर चर्चा कर लेंगे, और इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रस्ताव को जो भारत सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है वो क्या था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आपका समय जाया न करते हुए सीधे हम लोग आ जाते हैं आज के पहले टॉपिक में, वो हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत 3 जहाजों को में से एक को नौसेना में शामिल किया गया, यानी कि 3 जहाज हैं जो हिमगिरी प्रोजेक्ट का उसमें। तो सबसे पहला क्या है कि मेसर्स गार्डन रिज बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में, तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेसर्स गार्डन रिज बिल्डिंग्स जो शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है वो कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, ये ध्यान में रखेंगे। कोलकाता में बना प्रोजेक्ट 17A के तहत, और दूसरा प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट 17A किससे संबंधित है, कि 3 जहाजों में से एक हिमगिरी आज लॉन्च किया गया, यानी ये दिसंबर महीना का है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इस यहाँ आज की कोई नहीं, लॉन्च किया गया है, इस जहाज का जलावतरण हुगली नदी में किया गया है, और समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भारत के जनरल बिपिन रावत हैं उन्होंने किया है, नौसेना की परंपरा के अनुसार CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत द्वारा जलावतरण अथर्ववेद की स्तुति के बीच किया गया। तो यहाँ से इस पेज से दो पॉइंट आपके पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि यदि पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्टेट PCS सब में कि प्रोजेक्ट 17A का संबंध किससे है, प्रोजेक्ट 17A का संबंध किससे है, तो ये पूछा जा सकता है, और दूसरा पूछा जा सकता है जो मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है जहाँ पर हिमगिरी श्रेणी के जहाजों का निर्माण किया गया प्रोजेक्ट 17A के तहत, वो कहाँ पर अवस्थित है, तो कोलकाता में है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इसमें क्या है, तो इसमें जो अगला चीज है कि इसका मुख्य बिंदु क्या है प्रोजेक्ट 17A का, तो प्रोजेक्ट 17A जहाज
RSE में बना है, यानी कि जो गार्डन रिच बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड है, बना पहला गैस टरबाइन संचालन की शक्ति पर आधारित जहाज है, और इस पर बहुत बड़ा युद्ध प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि गैस टरबाइन पर संचालित ये जहाज है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्टेटमेंट करके आ सकता है पीटी में कि इसके बारे में क्या सत्य है, प्रोजेक्ट 17A के बारे में, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है। और ये क्या है कि एक बहुत बड़ा युद्ध तो प्लेटफॉर्म भी है, सेना के लिए उपलब्ध कराएगा, नौसेना के लिए। फिर इस जहाज का नाम चिन्ह रियंडर क्लास शिप के पोत से मिलता है, जो 50 वर्ष पहले 1970 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ये जो पिछले पेज में आपने जहाज देखा है, यही प्रोजेक्ट 17A के तहत जो नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, यही प्रोजेक्ट 17A के तहत जहाज ये लॉन्च किया गया है। तो नीलगिरी सैनिक आप देख रहे हैं, फर्स्ट वेसल्स ऑफ प्रोजेक्ट 17A का ये पहला जहाज है, तो इस तरीके का है। दूसरा जो इसमें पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि प्रोजेक्ट 17A जहाजों की डिजाइन डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन यानी सरफेस शिप डिजाइन ग्रुप और DND के द्वारा पेश की गई है, और इन्हें देसी यार्ड MDL और GRES में बनाया गया। GRES यानी गार्डन रिच जोसेफ बिल्डर्स लिमिटेड है वहां पर। यह नई पीढ़ी का प्रोजेक्ट 17A जहाज है, जिसमें उन्नत स्टिल्थ फीचर लगा हुआ है, यानी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस यह जहाज है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से। तो ये भी याद रखना है कि पूछा जा सकता है यह जो जहाज है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त जहाज है। इस परियोजना में आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम भी शामिल है, यानी कि यह जो जहाज है इसमें जो आधुनिक वेपन्स और सेंसर सिस्टम जिस पर यह काम करेगा उससे युक्त है। प्रोजेक्ट 17A जहाजों में 80% सामग्री उपकरण स्वदेशी वेंडरों से लिए गए हैं, और 2000 से अधिक भारतीय प्रतिष्ठानों तथा MSME में रोजगार सृजन हुआ, यानी कि इस जहाज के बनने का 80% जो है स्वदेशी, यानी एक तरीके से इसमें भी जो भारत सरकार ने चालू कर रखा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक हमें सभी जगह दिखाई दे रही है कि 80% जो इसका कच्चा माल रॉ एंड मटेरियल हुआ है वो स्वदेशी है, और कई सारे इसमें MSME यानी माइक्रो स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेज भी शामिल है, जिनमें कई सारे रोजगार का 2000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। नेक्स्ट जो इसमें है प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसके बारे में आपको जैसे पहले बताया पूछा जा सकता है, तो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत सात जहाज बनाए जा रहे हैं। कितने जहाज बनाए जा रहे हैं? 7 जहाज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। 4 जहाज मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि जो मुंबई में है, मजगांव 4 जहाज मजगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, यानी कि ये जो मुंबई में है वहां पर बनाया जा रहा है। और 3 जहाज जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वहां बनाया जा रहे हैं, जो कोलकाता में है वहां पर बनाया जा रहा है। इन जहाजों में रडार से बचने के लिए तरकीब अग्रणी स्वदेशी हथियारों और अन्य सुधारों के साथ सेंसर फिट किए गए हैं। तो सबसे पहले तो जो पीटी का क्वेश्चन होता है यही कि प्रोजेक्ट 17 क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और फिर यह पूछा जा सकता है कि जो मजगांव डॉक लिमिटेड है वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है। जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वो कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में स्टेटमेंट करके आ सकता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसके तहत 7 जहाज निर्माण हो रहे हैं, इसमें स्टील श्रेणी के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, यह स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया जा रहा है। इस तरीके के स्टेटमेंट करके आपके पीटी के यूपीएससी में प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जहां पर ये जहाज बने हैं, 3 बनेंगे, तो यह कैसा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का एक रक्षा उपक्रम है। देखिए इसके बारे में भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट करके। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है, भारत के अग्रणी शिप बिल्डर्स में से एक है, यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह वाणिज्यिक तथा नौसैनिक वेसल का निर्माण एवं मरम्मत करता है, यानी कि जो कॉमर्शियल होता है वो, और जो नौसेना के यूज के लिए जलपोत होते हैं, युद्धक पोत होते हैं, उन सब का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। अब यह निर्यात जहाजों का निर्माण भी कर रहा है, यानी कि ना केवल कॉमर्शियल और नौसेना के प्रयोग के लिए, बल्कि जो निर्यात करने के लिए जहाज हैं जो भारत विदेशों को निर्यात करता है उसका भी उत्पादन यहाँ पर होता है। इसकी स्थापना यानी कि जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। ये एक डेट याद रखने की जरूरत है। हुगली नदी के किनारे एक छोटी निजी कंपनी के रूप में थी, यानी जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या था, एक निजी कंपनी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या है,
रक्षा क्षेत्र का एक सार्वजनिक उपक्रम है। 1916 में इसका नाम बदलकर गार्डन रीच वर्कशॉप रखा गया और 1960 में सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये जो पेज है आपके गार्डन रीच से बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक रक्षा उपकरण है। यह तीन प्रकार के जहाजों का निर्माण करता है, कॉमर्शियल जहाज का नौसेना के निर्माण के लिए यूज के लिए, और तीसरा कि निर्यात श्रेणी के जहाजों का। स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में, उस समय यह निजी क्षेत्र का था। 1916 में इसका नाम बदल दिया गया, गार्डन रिच वर्कशॉप रखा गया और 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये पूरा ही जो है सो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत में जनस्वास्थ्य निगरानी पर श्वेत पत्र जारी किया है। ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा करेंट का। तो यह श्वेत पत्र नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जो सदस्य हैं, डॉक्टर विनोद के पॉल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और श्री अमिताभ कांत अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने जारी किया है। तो कभी कभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में प्रश्न कई स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। आप याद रखेंगे कि अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं जो राजीव कुमार हैं और इनके जो सीईओ हैं वो। ये जो श्वेत पत्र जारी किया गया इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारत की जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना है। यानी कि भारत की जो जनस्वास्थ्य पॉलिसी है उसको फ्यूचरिस्टिक बनाना है, भविष्योन्मुख बनाना है और उसको अधिक सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है और हर एक स्तर पर कार्रवाई हो उस पर इसने श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र की विशेषता क्या है? सबसे पहले देखिए कि नागरिकों के अनुकूल जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार कर व्यक्ति की निजता गोपनीयता को सुनिश्चित करना। यानी कि जो अभी भी आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के मामले को लेकर भी निजता का मामला काफी चर्चा में है। तो ये जो नीति आयोग का श्वेत पत्र है स्वास्थ्य पर, तो इसमें क्या है कि नागरिकों के अनुकूल यानी कि जो पब्लिक की डिमांड है उसके लिए जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार करना कि उसको आप किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराते हैं वो सिस्टम तैयार करना, और साथ ही उनकी निजता का ही ख्याल रखना है कि किस तरीके से उनकी नियोजिता जो है सो बरकरार है, उसका उल्लंघन ना हो। तीसरा कि केंद्र और राज्यों के बीच बीमारी की पहचान, बचाव और नियंत्रण को बेहतर करने के लिए एक संशोधित आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाना। यानी केंद्र और राज्यों में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जैसे अभी कोविड का इशू है, इसी तरह की बीमारियों की पहचान करना, उसके बचाव के लिए का क्या किए जा सकते हैं उस पर, और उस पर आंकड़ा जुटाना और उसके लिए एक सिस्टम बनाना ताकि उस तंत्र का प्रयोग, उस आंकड़ा का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जा सके और राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा सके, ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव। चौथा है कि ऐसी जन स्वास्थ्य आपदा जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा होती है के प्रबंधन के लिए भारत क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यानी कि ऐसी जन स्वास्थ्य आपदा, जैसे कि आप इसका सिंपल सा उदाहरण ले लेंगे कि जैसे कोविड-19 था, तो जो कोविड-19 था इसमें एक तरीके से आप देखेंगे तो भारत विश्व के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है, विश्व के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है। और ना केवल नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है बल्कि अभी जो भारत के द्वारा कोविडशील्ड वैक्सीन यूज होना शुरू हो चुका है, कोविडशील्ड, और दूसरा जो कोवैक्सीन वैक्सीन दिया जा रहा है उसकी ओर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। वही इसमें है कि ऐसी जन स्वास्थ्य आपदा यानी कि कोविड-19 जैसी जन स्वास्थ्य आपदा जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा होती है, काफी चिंता, तो प्रबंधन के लिए भारत क्षेत्रीय यानी कि रीजनल स्तर पर और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, या कैसे करे भारत उस पर काम करना है, तो ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा कि जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली का विजन क्या है और क्या है, ध्यान से देखिए। यह विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्य की अगली कड़ी है। यानी कि 2035 तक भारत की जो जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है उसको किस तरीके से बिल्कुल सटीक 100% बनाना है, बेहतर करना है, उस पर आधारित है। फिर क्या है कि यह व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्डों की निगरानी के आधार पर बनाकर सुझाव देती है कि निगरानी किस तरीके से की जाएगी। यानी कि निजता का मामला इसीलिए आता है कि
चूंकि इसमें जो भी कार्रवाई होगी और जो भी चीजें होगी सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जन स्वास्थ्य कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें पब्लिक के जो उस आधार कार्ड का होगा, मोबाइल नंबर होगा और कई सारी जानकारियां उसमें हो सकती है, तो उस तरीके की जानकारी लीक ना हो इसलिए इसमें जो है सो बिल्कुल उसकी भी ख्याल रखी जाएगी कि व्यक्ति के सूचना का गोपनीयता का निजता का उल्लंघन ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। स्वास्थ्य निगरानी कार्य जो महत्वपूर्ण है वो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल मुहैया कराता है। निगरानी कार्रवाई के लिए सूचना देती है। यह एक विस्तारित रेफरल नेटवर्क और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता बताता है। इस परिकल्पना का अंग केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था, जिसके तहत नए विश्लेषण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आंकड़ा, विज्ञान का इस्तेमाल करके नया आंकड़ा भागीदारी तंत्र बनाना और सूचना प्रसारण करने के लिए देखिए पूरी की पूरी जो इसमें है वह यह है कि जो 2035 तक के लिए जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली का डाटा बनाना है वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली होगी, और इसके लिए प्राथमिक स्तर पर द्वितीयक स्तर यानी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल मुहैया कराया जाएगा। एक इस निगरानी प्रणाली में क्या होगा कि पूरी तरीके से जो मानवीय स्वास्थ्य का जो होगा वो विश्लेषण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उस पर विज्ञान के जो आंकड़े होंगे, तमाम चीज की सूचना इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रहेगी और इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है जन स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ये आपका जो सोशल इशू का जो एरिया होता है, जो फर्स्ट पेपर में आपका सोशल इशू का एरिया है, वहां पर जब आप मेंस में लिखेंगे तो मेंस में आपके लिए यह काम का हो सकता है कि पूछा जा सकता है किसी भी प्रश्न में कि भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, उसमें आप नीति आयोग के इस श्वेत पत्र की चर्चा कर सकते हैं कि हाल ही में इस पर नीति आयोग के द्वारा श्वेत पत्र जारी किया गया जिसमें जन स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदमों पर बल दिया गया है, तो ये आपके लिए काम होगा वहां पे। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वाणी योजना। पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वाणी योजना, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज से कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, तो भारत सरकार ने देश भर के लिए पब्लिक इंटरनेट यानी पीएम वाणी का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक वाईफाई एक्सेस इंटरनेट इंटरफेस योजना का ऐलान किया है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वाणी यानी पब्लिक वाईफाई एक्सेस इंटरनेट इंटरफेस योजना का ऐलान किया गया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो इस स्कीम के माध्यम से देश भर में पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, यानी कि जो आम जनता के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी पीएम वाणी योजना के तहत। पहला तो इसका जो पहला मोटो हो जाएगा कि आम नागरिक को वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करना। दूसरा है कि केंद्रीय रजिस्ट्री पीडीओ पीडीओए का विवरण रखेगा, इसका रख रखाव सी डॉट द्वारा किया जाएगा। पुणे में एक संस्था है भारत का सी डॉट, उसके द्वारा पीएम वाणी से संबंधित जो भी टेक्निकल चीजें होंगे उसको रख रखाव किया जाएगा। फिर है कि पीएम वाणी के तहत किराना स्टोर भी अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेकर वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो किराना स्टोर वाले, वैसे भी आप देखते होंगे एड देखते होंगे कि जो किराना स्टोर वाले हैं वो भी डिजिटल खाता बही की ओर जा रहे हैं, और डिजिटल खाता बही आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो, तो किराना स्टोर वाले भी इस पीएम वाणी वाईफाई इंटरनेट परियोग योजना का लाभ उठा करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसका जो है सो सेटअप लेकर के, उससे कनेक्शन लेकर के आप उसको यूज कर सकते हैं। अब गांव देहात और देश के दूर दराज इलाकों के लिए वाईफाई की सुविधा होगी, यानी कि जब ये आम नागरिक से संबंधित है पब्लिक से के लिए गांव के यानी कि पंचायत स्तर पर इसमें वाईफाई परियोजना शुरू की जाएगी पीएम वाणी के तहत, और पंचायतों में भी वाईफाई इंटरनेट से की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखो इसका जो कनेक्टिविटी है आप यह जान लीजिए कि जैसे पंचायत स्तर पर यदि पीएम वाणी योजना को लॉन्च किया जाता है जैसा कि इसका प्लान है और इंटरनेट वाईफाई की सुविधा दी जाती है, तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड का प्लान है भारत सरकार का, ये फलीभूत होगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो राशन कार्ड की जो निगरानी होगी, जो उसकी डाटा होगी वो स्पीड इंटरनेट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होगी, तो उसके ध्यान से भी इस परियोजना का महत्व है, यानी कि सरकारी योजनाओं की जो
उपलब्धता है वो अधिक होगा इस योजना के तहत, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। आप इंटरनेट सर्विस तो यूज करेंगे ही, साथ ही आप सरकारी योजनाओं को सरकार को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। कैसे काम करेगा पीएम वाणी योजना? तो देश सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी, यानी कि संपूर्ण देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोला जाएगा और वाईफाई क्रांति के लिए 3 स्तर पर काम किया जाएगा। इनमें पब्लिक डेटा ऑफिस होगा, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और एप प्रोवाइडर होगा। ये 3 स्तर पर काम होगा, यानी कि जो 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे पीएम वाणी योजना के तहत, ये 3 स्तर पर काम करेगा। पहला स्तर होगा इसका कि पब्लिक डेटा ऑफिस खुलेगा, दूसरा इसका स्तर होगा कि पब्लिक डेटा एग्रीगेटर खोले जाएंगे, और तीसरा होगा कि ऐप प्रोवाइडर होगा जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा वो। पब्लिक डेटा ऑफिस क्या होगा? पीडीओ। तो पब्लिक डेटा ऑफिस मोबाइल फोन यूजर्स को वाईफाई सेवा मुहैया कराने का काम करेगा, यानी कि ये पीएम वाणी योजना के तहत जो वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? पीडीओ के ऊपर है, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस के ऊपर है। इसे कोई भी खोल सकता है और इसके लिए भी किसी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पब्लिक डेटा ऑफिस को कोई भी छोटा दुकानदार जैसे चाय किराने वाले भी खोल सकता है इसके लिए। यानी कि आप भी एक इंटरनेट प्रोवाइडर हो सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, और आपको लिए कुछ उसके लिए कोई, यदि आप सरकार से ये एक तरीके से फ्रेंचाइजी टाइप का हो गया, इसके लिए जो है सो आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रकार के कागजात की जरूरत नहीं। आपका किसी प्रकार का स्टोर है नहीं भी है तो भी आप पब्लिक डेटा ऑफिस खोल सकते हैं, और उस पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से आप लोगों को वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं पीएम वाणी योजना के तहत। नेक्स्ट है कि देश के 9 राज्यों में एक राशन कार्ड, एक नेशन एक राशन कार्ड की योजना लागू हो चुकी है। ये एक राष्ट्र एक नेशन कार्ड क्या है, ये सभी को पता होगा। इस पर मैंने YouTube पर क्लास भी लिया है, इसलिए इसके बारे में डिटेल से नहीं, लेकिन जो करेंट में चर्चा का है दिसंबर मंथ में वो आप जान लीजिए। देश के 9 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। एक राशन कार्ड एक यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभार्थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों में जाकर भी काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार कहीं भी उचित दर की दुकान पर राशन ले सकेंगे। देखिए मूल रूप से क्या है इसमें, कि आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 की स्थिति आई थी और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो कोविड-19 के कारण क्या था कि शहर में जो रहने वाले दिहाड़ी श्रमिक होते हैं या जो अन्य श्रमिक होते हैं, इनके सामने सबसे पहले प्रत्यक्ष समस्या यही आई थी। इन श्रमिकों को क्या था कि खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और खाद्य सुरक्षा इसलिए भी नहीं प्राप्त हो रही थी क्योंकि यदि इनके पास खाद्य कूपन था भी, तो कोई बिहार का रहने वाला दिल्ली में है तो दिल्ली में उस कार्ड पर खाद्य नहीं मिल सकता है, कोई यूपी का रहने वाला दिल्ली में है तो उस पर नहीं मिल सकता है। इस खामी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इसको सुधार किया गया। इसमें क्या है कि आप कहीं के भी वासी हैं तो कार्ड तो आपका वहीं का रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी का है तो उसके यूपी का कार्ड रहेगा, जिस पंचायत के आप हैं उसी पंचायत का कार्ड आपके पास रहेगा। उस कार्ड पर आप जो है देश के किसी कोने में जाकर अपने निर्धारित मात्रा का राशन उठा सकते हैं, वो कहीं पर भी। और एक बार उठा लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने राशन कार्ड के 1 महीने का अनाज आपने दिल्ली में उठा लिया तो फिर आप बिहार में उठाएंगे, नहीं, क्योंकि ये डिजिटल हो जाएगा पूरा। और जब डिजिटल हो जाएगा तो आप अपने राशन कार्ड पर आपको 1 महीने के लिए जो निर्धारित अनाज है वो देश के किसी भी कोने में जाकर आप ले सकते हैं, आप जहाँ हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार के हैं, आप यूपी के हैं, आप एमपी के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप लेकिन नौकरी करते हैं मुंबई में जाके, तो उस राशन कार्ड पर आप मुंबई में जाके अनाज ले सकते हैं अपने निर्धारित मात्रा का, तो फिर इस तरीके के क्रिटिकल इशू नहीं आएगी। तो इस तरीके के जो प्लान है वन नेशन वन राशन कार्ड का 9 राज्यों के द्वारा लागू कर दिया गया है दिसंबर तक, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। दिसंबर के एंड तक 9 राज्यों ने लागू कर दिया था। मुख्य बिंदु क्या है, तो जिन 9 राज्यों ने दिसंबर के एंड तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया वो कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू कर दिया गया है, गोवा के द्वारा लागू कर दिया गया है, गुजरात इसमें है, हरियाणा इसमें है, कर्नाटक इसमें है,
केरल इसमें है, तेलंगाना इसमें है, त्रिपुरा इसमें है और उत्तर प्रदेश है। इन 9 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपने यहाँ लागू कर दिया है। इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप संक्षिप्त में PDS कहते हैं, आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दे दी गई है। भारत सरकार ने के मंत्रालय ने एक नोडल विभाग भी बनाया है, यानी कि जिसके माध्यम से ये पूरी योजनाएं देखरेख में होगी, निगरानी में होगी, जो यह जांच कर रहा है कि राज्यों ने सुधार की शर्तों को पूरा किया है या नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो आपका राशन कार्ड है उसके पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक क्यूक्स बनना है और उसके माध्यम से आपको ये दिया जाएगा। इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक नोडल एजेंसी बना दी गई मंत्रालय के अधीन, जो वह देखेगा कि जो वास्तविक सुधार होने हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में वो हो पाया है या नहीं। और इसके लिए जिन 9 राज्यों ने अपने यहाँ ये प्लान लागू कर दिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को अपने यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आवश्यक सुधार करने के लिए 23,523 करोड़ रुपये दिए गए हैं, ये ध्यान में रखेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में कुछ जान लीजिए कि यह योजना की शुरुआत पिछले साल यानी 2019 में 9 अगस्त को की, क्योंकि दिसंबर का करंट है और पिछले साल का अर्थ हो गया कि 2019 में, तो 2019 में 9 अगस्त से हुई थी। उस समय इस योजना को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया था। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो पिछला राशन कार्ड है वो आप पोर्टेबिलिटी करा सकते हैं, बदला नहीं जाएगा, लेकिन उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है, नाम दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान्न का कोटा प्रदान करना है, जो मैंने आपको बताया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और वह कहीं से भी राशन ले सकता है। यानी कि आप किसी भी कोने के हैं, अपने राज्य से बाहर कहीं भी हैं, उस राशन कार्ड पर आप अपने निर्धारित मात्रा का अनाज जो आपको उपलब्ध कराया जाता था वो कहीं भी आप ले सकते हैं। इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड होगा। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में सरकारी राशन की दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको पहले मिलता था वो, तो पहले क्या था कि जिस पंचायत में, जिस ब्लॉक में हैं आप और जिस पंचायत में आपका राशन कार्ड है उसी में सार्वजनिक दुकान जो है सरकार की, वहां से आपको दुकान से अनाज मिलता था। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से ये प्रतिबद्धताएं आपकी समाप्त हो गई है। आप अपनी निर्धारित मात्रा का अनाज जो है वह भारत के किसी भी राज्य के किसी पंचायत में आप हैं, वहां की जो भारत सरकार की सरकारी राशन की दुकानें हैं वहां से आप वो अनाज ले सकते हैं अपने आप निर्धारित मात्रा का। नेक्स्ट है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। तो यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि ये दिसंबर मंथ का है, तो ये आयोजन हो चुका है। अब जनवरी में, जब फरवरी में आपके लिए जनवरी का करंट लेके आएंगे तो इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन चूंकि दिसंबर में है तो आप जान लीजिए इसके बारे में। 8 दिसंबर 2020 को विदेश राज्य मंत्री श्री PV मुरलीधरन द्वारा 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 की वेबसाइट का उद्घाटन किया गया, जहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का शुभारंभ किया गया। COVID-19 महामारी के मद्देनजर 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा। यानी कि इसी तारीख को, चूंकि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हम लोग मनाते कितने तारीख को हैं, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी इसी तारीख को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। महात्मा गांधी इसी डेट को आए थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका तो गए थे कम समय के लिए, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, लेकिन वो वहाँ काफ़ी दिनों तक रह गए थे। गए थे 1893 में और लौट कर आए थे 1915 में आए थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 22-23 साल के बाद वो आए थे 9 जनवरी को। उसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो 9 जनवरी को ये किया जाता है। इसके बारे में अन्य जो है मुख्य बिंदु क्या है, तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और इसका मूल उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है।
पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये आपसे स्टेट पीसीएस में 110% पूछा जा सकता है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम क्या था। तो ये आप, और ये जो उत्तर प्रदेश यूपी का एग्जाम आने वाला 2021 में, दो एक समीक्षा अधिकारी का डेट दे दिया है कब विज्ञापन आएगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब आपके एग्जाम होंगे, और अपर का भी सब कुछ दे दिया है। तो ये आपसे यूपी एमपी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। फिर 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 2020-21 में 5 पीबीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीय यानी 5 पीबीडी जो आयोजित किए जा रहे हैं उसमें कौन कौन है, तो वो ध्यान से देखना है। पहला यहाँ पर हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। दूसरा है डायस्पोरा बिजनेस लीडर्स और सीईओ के साथ संवाद, एमएसएमई को बढ़ावा देकर यूएस $5 ट्रिलियन आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि पहला तो ये हो गया कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका है, क्या योगदान है वो। दूसरा, भारत का जो लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले भारत को बनाना है, उसमें प्रवासी भारतीयों के योगदान को तलाशना है कि किस तरीके से भारत को $5 ट्रिलियन वाली US डॉलर वाली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कैसे इनकी भूमिका को सुनिश्चित करना है, दूसरा पॉइंट इसमें चर्चा का। तीसरा कि क्षेत्रीय पीबीडी यानी क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय डीसीसी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और फोर्जिंग मीडिया एंड इंटरनेट पार्टनरशिप टू सक्सेस और भारत के युवा अचीवर्स एवं डायस्पोरा यंग अचीवर्स को अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ लाना। प्रधानमंत्री द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में भारत को जानिए क्विज, नो इंडिया, भारत को जानिए क्विज के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। ये तो अब हो चुकी होगी कि दिसंबर का है और जनवरी में आयोजित तो हो चुका होगा, तो फिर भी आपको ये याद रखना है कि 5 मुख्य पॉइंट इसमें थे 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में, जब जो आयोजित हुआ होगा तब था। और फिर इसमें भारत जानो कार्यक्रम के लिए, इंडिया जानो के लिए क्विज का आयोजन किया गया और उसके विजेताओं की घोषणा की गई होगी कि कौन भारत को कितना जानता है। कुछ प्रश्न उत्तर टाइप के रहेंगे, जैसे आप क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं उस तरीके से। तो मूल इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसका जो थीम है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का, ये थीम, और इसका जो दो पहला टारगेट है कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की तलाश करना, और दूसरा कि भारत को $5 ट्रिलियन वाली US डॉलर वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए किस तरीके से प्रवासी भारतीयों के योगदान को सुनिश्चित किया जा सकता है, ये इसका मूल उद्देश्य था इस 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में दो पूर्ण सत्र शामिल हुए होंगे, यानी कि पहला आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों की भूमिका जो इसका थीम था, और दूसरा कोविड के बाद की चुनौतियां, यानी कि कोविड जो अब धीरे धीरे, हालांकि फिर से कहीं कहीं पर विश्व में कई देशों में अभी फिर से एक बार काफी तेजी से फैल रहा है। आपने देखा कि चीन के कई शहरों में लॉकडाउन फिर से, ब्रिटेन में काफी है, लेकिन कोविड के बाद के जो समाज और अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, वो सत्र इसका एक था। तो स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को के हालात, इसके घोषणा के इसके बाद समापन सत्र होगा जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, ताकि भारत और विदेशों के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था, यह दो सत्र में कम्प्लीट हुआ, एक आत्मनिर्भर भारत के अभियान में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर, एक दूसरा व्याख्यान इसमें कि कोविड के बाद की जो चुनौतियां हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और उनमें कैसे प्रवासी भारतीयों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए, ये दो सत्र इसमें चला था। और उसके बाद जब समापन सत्र हुआ तो फिर जो प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान की घोषणा की गई। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष निर्यात संबंधर परिषद और उसकी मुख्य विशेषता। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पहले तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय लिया है।
यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है किस तरीके से पीटी में बन सकता है, तो सबसे पहले यह आ सकता है कि आयुष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय किस संगठन ने मिलकर निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय लिया है। तो किसने होगी निर्यात संवर्धन के परिषद के गठन का निर्णय लिया है, तो पहला हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और दूसरा हो जाएगा आयुष मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों ने आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय लिया है। ये उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने आयुष व्यापार उद्योग की संयुक्त समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। यह समीक्षा बैठक 4 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई थी। ये जो पहला 3-4 लाइन है ये आपके लिए परीक्षोपयोगी है कि आयुष मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है, ये करंट इकोनॉमिक के प्रश्न में आ सकता है। मुख्य बिंदु क्या है समीक्षा बैठक में, तो समीक्षा बैठक में आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण आयुष क्षेत्र मूल्य एवं गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की बात की गई। यानी कि जो व्यापार बढ़ावा देने के लिए जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है और आयुष उत्पाद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, उन दोनों मंत्रालयों ने यह तय किया कि आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उसके मूल्य संवर्धन के लिए, उसके क्वालिटी बिल्डिंग करने के लिए और उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा दोनों मंत्रालय को। ये दूसरा, बैठक में उद्योग और व्यापार जगत के लगभग 50 प्रमुखों ने भाग लिया तथा 2000 से अधिक हितधारकों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस इवेंट में हिस्सा लिया था। फिर है कि ओपन फोरम के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, RIS, BIS, इन्वेस्ट इंडिया और आयुष उद्योग के प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर है कि आयुष मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावित EPC यानी आयुष निर्यात संवर्धन परिषद आयुष मंत्रालय के तहत रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो स्थापना तो दोनों मिलकर ने किया है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जब ये निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित हो जाएगा तो यह किसके अधीन काम करेगा, तो यह निर्यात संवर्धन परिषद जो है वो आयुष मंत्रालय के अधीन काम करेगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो 2-4 पॉइंट यहाँ से आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेंट इकोनॉमिक्स में आ सकता है कि निम्नलिखित में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है कि आयुष मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मिलकर आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय लिया या गठन किया है। एक दूसरा, यह जो आयुष निर्यात संवर्धन परिषद होगा यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। कौन सही है कौन गलत है, तो पहला सही है, दूसरा क्योंकि ये आयुष मंत्रालय के अधीन काम करेगा इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो इस तरीके के UPSC में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आयुष के लिए HS कोड का मानकीकरण किया जाएगा, यानी इसके लिए क्या किया जाएगा, HS कोड का मानकीकरण किया जाएगा। उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने के साथ साथ मंत्रालय इन्हें मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी काम करेगा, जो पहले चर्चा हो चुकी है। वाणिज्य मंत्री ने एक और सलाह देते हुए कहा कि हमें ऐसे उपयुक्त मानदंड विकसित करने होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं पर खरे उतर सके। इसके साथ ही आश्वासन दिया गया कि आयुष ब्रांड इंडिया गतिविधियों में प्रमुखता से काम करेगा। उन्होंने ब्रांडिंग और प्रचार के विभिन्न पहलुओं के पर एक साथ कार्य करने के लिए उद्योग तथा सरकार को आवश्यकता को रेखांकित किया। कुल मिलाकर ये है कि आयुष जो उत्पाद है उस आयुष उत्पाद को किस तरीके से, पहला इसका जो मूल आप 4-5 पॉइंट में याद रखेंगे, इसमें पहला जो है इसका उद्देश्य, पहला कि सबसे पहले ये याद रखना है कि आयुष उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई। निर्यात संवर्धन यानी निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना। अब ये जो निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है तो किसके सहयोग से की गई है, ये ध्यान में रखना था किसके सहयोग से। तो पहला इसमें आयुष मंत्रालय का है सहयोग,
और दूसरा इसमें सहयोग किसका है, आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त इसमें जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कॉमर्स एंड वाणिज्य एंड उद्योग इंडस्ट्री जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये किसके अधीन काम करेगा, पहला तो किसके द्वारा की गई है और किसके अधीन काम करेगा ये भी ध्यान में रखना है। तो किसके अधीन काम करेगा, तो ये आयुष मंत्रालय का अधीन काम करेगा। और किस पर फोकस किया गया है, तो इसका फोकस होगा कि आयुष उत्पादों की ब्रांडिंग कैसे की जाए ये, दूसरा इसमें मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए ये है, इसका जो है सो क्वालिटी गुणवत्ता कैसे बढ़ाया जाए वो होगा इसका लक्ष्य, और फिर इसका किस तरीके से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए वो, विश्व में बाजार तलाशना वो, और इन सब कामों के लिए क्या करना होगा, तो दोनों मंत्रालय को मिलकर काम करना होगा, ये इसका मूल क्रक्स है। इतना मैं आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के भारत संबंधी प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। तो क्या है कि भारत ने नाइजर के नियामे में, तो सबसे पहले ये हुआ कहाँ था, इस्लामिक सहयोग संगठन परिषद की बैठक ये याद रखना है, ये हुआ था नाइजर जो अफ्रीकी कंट्री है, नाइजर के नियामे में इस्लामिक सहयोग संगठन के 47वें सत्र में भारत के संदर्भ में लाए गए प्रस्ताव को तथ्यात्मक रूप से गलत, निराधार और अनुचित बताते हुए दृढ़ता के साथ स्पष्ट रूप से कर दिया है कि खारिज कर दिया। यह सत्र लास्ट दिसंबर में यानी 27-28 दिसंबर को आयोजित किया गया था। तो क्या है ये प्रस्ताव, ये आगे आ जाएगा, लेकिन इस पेज से आपको ये याद रखना है कि जो इस्लामिक सहयोग संगठन है इसके 47वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नाइजर के नियामे में किया गया था। ये स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पीटी का प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका मूल क्या है कि भारत द्वारा प्रमुख मुद्दा जो उठाया गया है कि भारत के अभिन्न और अविभाजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित उनके आंतरिक मामलों में इस्लामिक सहयोग संगठन को बोलने का कोई अधिकार नहीं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको जो भारत सरकार ने समाप्त होकर संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया, तो उस पर जो है सो इस्लामिक सहयोग संगठन के 47वें सत्र जो नाइजर के नियामे में हुआ था उस पर प्रस्ताव लाया गया था। और वो जो प्रस्ताव है कि उसमें कहा गया था इस्लामिक कंट्री को इस पर कदम उठाना चाहिए, उस प्रस्ताव को भारत सरकार ने गलत, निराधार और सिरे से खारिज कर दिया है। तो वही है कि पहला पॉइंट कि भारत का वो अभिन्न अंग, अभिन्न अंग होता है जिसको शरीर से कभी अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न अंग और अविभाजित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित उनके आंतरिक मामलों में इस्लामिक सहयोग संगठन को बोलने का कोई अधिकार नहीं, ये भारत ने कहा है। दूसरा क्या कि भारत का कहना है कि हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि आईओसी, आईओसी कहने का अर्थ हुआ आईओसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन के पास भारत और जम्मू कश्मीर के मामले में दखल की कोई स्थिति नहीं है, भारत भविष्य में आईओसी को इस तरीके से संदर्भ बनाने से परहेज करने की दृढ़ता से सलाह देता है, यानी इस तरीके का कोई मुद्दा ना उठाया जाए, इसने कठोरता पूर्वक भारत ने कहा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर परोक्ष प्रहार करते हुए कहा कि आईओसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन परिषद एक ऐसे देश के हाथों इस्तेमाल हो रहा है जिसका धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब है, यानी कि इसी तरीके का कुछ मुद्दा उठाया गया होगा इस्लामिक सहयोग के बैठक में कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक कश्मीर के हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसमें और ये जो है सो सभी ने किसके फेवर में निर्णय लेने का प्रयास किया, तो पाकिस्तान के फेवर में। उसी को भारत ने दूसरे तरीके से कहा कि जिन देशों के लिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं उन देशों का खुद धार्मिक रिकॉर्ड अर्थात पाकिस्तान का धार्मिक रिकॉर्ड खराब है, उसके कट्टरपंथ की विश्व में सभी जानते हैं और अल्पसंख्यकों का वहाँ किस तरीके से उत्पीड़न होता है वो सभी जानते हैं। और फिर भारत ने कहा कि मंत्रालय ने इस्लामिक सहयोग संगठन से कहा कि वो भविष्य में इस तरीके का कोई उल्लेख ना करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इशू को लेकर जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, अभिन्न अंग है, अविभाजित प्रदेश है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नेशनल समसामयिकी दिसंबर का था ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मैंने हर एक कोशिश की है कि दिसंबर मंथ में जो नेशनल स्तर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पीटी के लिए और आपके मेंस के लिए दोनों के लिए जो उपयोगी टॉपिक था वही मैंने यहाँ पर चूज किया है। और यदि इस दोनों लेक्चर को सुनकर जो इससे पहले एक लेक्चर में था और इस लेक्चर में है, इस दोनों लेक्चर को सुनकर समझकर
आप संक्षिप्त में अपना पॉइंट आउट करके नोट्स बना लेते हैं, ये आपके पीटी में भी काम आएगा, और पीटी पास करने के बाद जब आपको एक साल का मेंस का करंट करना होगा तो मेंस में भी आपने देखा होगा कि इस बार का जो सेकंड पेपर का जीएस था पूरी तरीके से करंट ओरिएंटेड, थर्ड पेपर में भी करंट ओरिएंटेड बहुत सारे मटेरियल। तो करंट को इग्नोर नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, और इसका आप नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाना जरूरी है इस तरीके के टॉपिक का पॉइंट ऑफ, क्योंकि जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे पीटी का या मेंस का, उस समय आप वीडियो नहीं बल्कि जो आपका अपना नोट्स होगा आप उसको रिवीजन करके जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब अगले वीडियो से अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर क्लास करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल शुरू से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास इस पर होगा, उसको सभी लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो तब तक आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो प्लस कोर्स का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये कितने का है, 49,500 का है, और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 44,550 में मिल जाएगा, और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 24 मंथ का जो है सो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के बाद 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 69,500 का है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा, और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 91,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। तो फिर आप कहेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और 25 जनवरी से जैसे आपको पहले ही बताया कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक करने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 25 जनवरी से पहले ले लीजिए, मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जब आप UPSC जैसे प्रतिष्ठित सेवा की जो देश की सबसे टफ कॉम्पिटिशन है तैयारी करते हैं तो एक प्रॉपर मेंटोरशिप का होना जरूरी है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध होता है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें। और GS के साथ साथ आप UPSC के ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है ऑप्शनल पेपर का आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन को लें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और फिर अगले वीडियो में मॉडर्न इंडिया के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।